ट्रेन एक्सीडेंट होती जोटी आमर कि बगी मान लाइनच्युत हो जाए हिसाब से आमको प्रस्तुत करने को पड़े और आगुरी भी आम वर्ष तमाम आम प्रिपेरेसन ही था कि कौ मुहूर्त कौन हो जापे आम एरिया कौन सब विपद मान रही कौन चानसेस अच्छी से हिसाब से आम सदा बेले जेहेतु प्रस्तुत करके रखु आज मकड्रिल आम से हिसाब से निजक विदिन 30 सेकेंड में टर्न आउट कलु सब इक्विपमेंट्स धरिकी आम दुई गोटी आम गाड़ी सहित आसीलु यहीभिया पिस्थित जेहेतु सर्ट सर्किट किंबा अन्यान्य कारण निया लगार चांसेस मान थाए तेणु आम से हिसाब से गोटे मोटर फायर इंजिन आनी देखिलु आमर जो मानने जो बगीटी आमर खसी पड़ी लाइन रु से बगी में किसी सर्ट सर्किट जो धूआ कुहुला आमको झरकापट देखिलु कैजुअलिटी मैंने किसी पड़ी कि लोक भल कंडीशन थे तो डोर जेहेतु भितर पट लक जाम होमको आमर इक्विपमेंट्स अच्छे जोटा कि कटर कह मैंने कंप्यूटर्स कहुए कटर कह जाए ताध्यम आम डोर को काटी इमरजेन्सी विंडो को आम व्यवहार करूँ एवं आम साधारण वर्ष विभिन्न समय रे जो समय ऑफ सीजन था सब आम मकड्रिल कर विभिन्न अकुपासी ओडिशा फायर प्रिवेंशन और फायर सेफ्टी रूल अनुसार जो गुड़ा हजार्डस बिल्डिंग अच्छी सब गुड़ा आम चेष्टा करूँ आम तरफ जदि से अकुपांट गुड़ा न डाकिले आम जा चेस्टा करूँ कहीं आमको बहुत किसी शिखा को मिलता है से बिल्डिंग विषय होंबा आज जमी मकड्रिल है फास्ट एक्सपीरियंस आम अलमोस्ट जितकी टीम मेम्बर अच्छा बहुत एटा बोधे कम सुजोग पाई रेलवेटा तो आमको भी खुशी लगुच आईटा आम शिखिकी आम निजक से हिसाब से आम कौन प्रॉब्लम है आम कौटी भूल रहा ये आम निहाती सुधारूँ और जनसाधारण को जिते बड़े यही परिस्थिति आसे आम जरूर आम सहायता देवु और भल कि सहायता दे पार जो है जब ये ट्रेन जो है हम लोग जो है बोलांगी रेलवे स्टेशन पे है हमें जो है NDRF कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि जो बोलांगी रेलवे स्टेशन पे जो है जो संबलपुर पुणे एक्सप्रेस है 08327 वो डिरेल्ड हो गई है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है हम अपनी पूरी टीम के साथ इंसिडेंट साइट पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो यहाँ पे जो इंसिडेंट कमांडर है उनसे पूरी जानकारी हम हासिल करते हैं कि ट्रेन डिरेल्ड हुई, कितनी बॉगी डिरेल्ड हुई है, कितने विक्टिम होने की संभावना है, बॉगी का पोजिशन क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, क्या इसमें जो हजार्ड्स मटेरियल है उसको जो है कटअप हो चुका है। फिर अपनी टीम को जो है ब्रीफिंग करते हैं। ब्रीफिंग करने के बाद हमारा जो है निर्धारित है किसका क्या रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी पहले से हमारी निर्धारित रहती है। उसके बाद जो है जो हमारी जो टीम है जो बॉगी डिरेल्ड हुई है हमारा मैक्सिमम कोशिश होता है कि जो हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट या गजट है उसके माध्यम से उसको हम इस्तेमाल करते हुए अपना सेफ्टी प्रिकॉशन को जो है पूरा जो क्या हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स है पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन और पूरा लेटेस्ट इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो विक्टिम अंदर फंसे हैं तो हमारे कुछ तो जो लाइव विक्टिम है सबसे पहले उसको हम वहां से रिमूव करें ताकि उसकी जान बच सके। तो जो जितने हैं मैक्सिमम जो है जो विक्टिम्स से लाइव विक्टिम्स उसको मैंने जो है अपना सही तरीके से उसको जो है बाहर निकाल के जो है मेडिकल फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद उसमें जो क्रिटिकल पेशेंट थे उसको मैंने एम्बुलेंस के माध्यम से जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर है उसको मैंने वहाँ पे भेजा। जैसे कि आप इस जगह पे हादसे में कितने जान के लिए है खबर है और कितने की जान जाने की खबर है, उनको कैसे वहाँ से निकाला गया और कैसे दिक्कतें सामने की? दिक्कत तो होती क्योंकि जो है हमें जो है विंडो के माध्यम से अपना जो है स्ट्रेचर के माध्यम से क्योंकि जो हम पहले तो सबसे पहले हम उसको इस हिसाब से कटिंग करें ताकि स्ट्रेचर में जो है विक्टिम को हम इजिली वहां से निकाल ताकि दोबारा उसको नुकसान ना हो।
ये चैलेंज तो हमारे पास ये चैलेंज तो बनी रहती है, तो हमारी कोशिश रहती है कि विक्टिम जो लाइव विक्टिम्स उसको नुकसान न हो, वो जल्दी से जल्दी अपना जो है उसको हायर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम आगे भेज सके। ये जो आपका इक्विपमेंट है, क्या कौन कौन सा नया इक्विपमेंट आया है एनडीआरएफ के पास जो कि इस तरह के हादसे में काम में आएगा? सारे जितने भी कटिंग इक्विपमेंट्स है हमारे पास जो कि इसमें यूज, जैसे प्लाज्मा कटर है, कंटिन्यूस बोल्ट कटर है, कंटिन्यूस लेंथ कटर है, सारे इक्विपमेंट हमारे पास जितने भी लेटेस्ट हैं जो कि हमारे जो है ट्रेन एक्सीडेंट में काम आते हैं टोटल। और जितने हमारे रेस्क्यूअर हैं पूरे वेल ट्रेन रेस्क्यूअर है, इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ है, इन्होंने जो है भांगा वाला में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और काफी जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत सारे लाइव विक्टिम्स को इन्होंने जो है बाहर निकाले थे। खबर पहले जो एक्सीडेंट हो जाए देखिए अला देखा लगे मॉकड्रिल चल जाए ट्रेन में एक्सीडेंट है कैंता करी रोगी मान को सहायता दिया जावा कैंता करी बेटर ट्रीटमेंट दिया जावा से बाबद कहुचे आउ रेलवे बोले जेन करुचन एटा सब टाइम करबार कथा आउटा सचेतन भी होचन लोक माने आउ विभिन्न स्वेच्छासेवी मैंने भी आसुचन कैंता करी सहायता करुचन। मुझे तो धन्यवाद देमी आरपीएफ के भी देमी पुलिस फोर्स के भी देमी और विभिन्न स्वेच्छासेवी मानक भी से भी आसिक मैंने के करुचन कण कर व्यवस्था करुचन आउटे देखा इधर द्वारा सचेतन हे लोक मैंने केन्ता करी एक्सीडेंट है केन्ता है आउे आउटे भी जिनिस देखा हो ट्रैफिक समस्या बहुत होची एक्सीडेंट हेले कि लोक मैंने बहुत पलि आउन बहुत देखुन जिनकी ट्राफिक क्लीयर हो मेन मुद्दा सेटा क्लीयर हबार कथा मत तो लगुच ट्राफिक कारण स्टाफ भी टे कम अच्छा आउे बेटर स्टाफ बढ़े गले बढ़िया कथा आउटे जिनिस देखी थे ये प्रकार जिन इंडिया बोले जिन ताकर भी जमना ड्यूटी करुचन रेगुलर बेसिस रे केंदारी रेस्क्यू करुचन काना ताकर भी उडे हैबिट बढ़वा ये बाध्य प्रैक्टिस इटा माने कोले ता प्रैक्टिस बढ़वा दक्षता माने भी बढ़वा सब बढ़वा काना काना देख रे केन केन टीम अछन पुलिस अछन एनडीआरएफ अछन आरपीएफ अछन मेडिकल वाले अछन स्वेच्छासेवी माने अछन बहुत अछन ता माने आ तापर लोकल लोक माने भी अछन हेल्प करुचन समस्ते प्रिंट और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मेरे साथी आज हम लोग यहाँ पर फुल स्केल ज्वाइंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज किया हम लोगों ने यहाँ पर अभी चल रही है चालू है और इसमें हम लोगों ने एनडीआरएफ ओडीआरएफ की सहभागिता है लोकल प्रशासन भी इसमें शामिल है इसके अलावा फायर सर्विसेज स्टेट हेल्थ सर्विसेज और कुछ लोकल एनजीओज भी इसमें शामिल रहे। इस एक्सरसाइज को करने का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि किसी भी तरह सडनली कुछ अगर अनहोनी या कुछ इस तरह के मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उस केस में जो रिस्पांस है वो हमेशा फास्ट और इमीडिएट होना चाहिए। प्लस जो हमारी दूसरी एजेंसीज हैं एनडीआरएफ ओडीआरएफ की उनके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है एनजीओ जो शहर के हैं या फिर हेल्थ सर्विसेज फायर सर्विसेज उनके साथ जो तालमेल है जो कोऑर्डिनेशन है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज के जरिए हम लोग उस चीजों को और सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पर्पस खाली यही था, इसके अलावा हमारे रेलवे के सारे ही विभागों ने इसमें हिस्सा लिया है तो इसका पर्पस जो एक्सरसाइज का ये है। प्रगति गोल्ड मिल्क संपूर्ण उन्नत मानर दुग्ध